हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ होठों की प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने के लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें और होठों का कालापन दूर करके होठों की खूबसूरती बढ़ाने के कुछ उपाय शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चेहरे की खूबसूरती में होठों का विशेष महत्व है। प्राकृतिक तौर पर सुंदर होठ चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। जिनके होठ जितने नाजुक, मुलायम, सुंदर होते हैं, उनका चेहरा उतना ही खिला खिला और निखरा लगता है। होठों के प्रति की गई असावधानी व लापरवाही होठों की खूबसूरती को नष्ट कर देती है। होठों की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता और सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें दो तीन प्रकार की लिपस्टिक को मिलाकर होठों पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से होठों की खूबसूरती बिगड़ जाती है। लिपस्टिक को कभी भी रगड़ रगड़ कर नहीं निकालना चाहिए। ऐसा करने से होठों का आकार बिगड़ जाता है। होठों को जीभ से चाटते रहने से भी होठों की स्किन प्रभावित होती है। होठों को कभी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। होठों को दांतों के बीच लाकर दबाने तथा होठों को मुंह के अंदर खींचते रहने से भी होठों की खूबसूरती नष्ट हो जाती है। बहुत गर्म चाय, कॉफ़ी, दूध के कप, गिलास को होठों से नहीं लगाना चाहिए। इससे होठों की सुंदरता व कोमलता नष्ट हो जाती है। हमें स्मोकिंग आदि से भी दूर रहना चाहिए। इससे भी होठ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती को खो देते हैं। दांतों से नाखून को नहीं चबाना चाहिए। ये भी होठों के लिए बहुत नुकसान होता है। होठों पर हमेशा लिपस्टिक नहीं लगा के रखना चाहिए। इससे भी होठ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती को खो देते हैं। दूसरों के द्वारा इस्तेमाल की गई लिपस्टिक का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे होठों का इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इन बातों का ध्यान रखकर हम काफ़ी हद तक अपने होठों की प्राकृतिक खूबसूरती को बचा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी होठों के कालेपन को दूर करने के कुछ घरेलू उपाय। अगर किसी भी कारणवश आपके होठ काले हो गए हैं तो कच्चे दूध में रूही के फोए भिंगोकर हाथों से कोमलतापूर्वक होठों पर रोजाना 3 से 4 बार लगाएं। कुछ वीक्स तक नियमित इसका प्रयोग करें। कच्चा दूध होठों की त्वचा को ब्लीच करके कालेपन को दूर करने में बहुत मदद करता है। 1 चम्मच मलाई, 2-3 बूंद नींबू का रस, 2-3 बूंद शहद, सबको मिलाकर आप रात को सोते समय होठों पर लगाएं। कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करने से धीरे धीरे होठों का कालापन दूर होने लगता है। मलाई, दूध, नींबू और शहद में अनेक प्रकार के ब्लीचिंग तत्व पाए जाते हैं जो होठों के कालेपन को दूर करने में बहुत मदद करते हैं। गुलाब की ताजी पंखुड़ियों में मक्खन मिलाकर होठों पर लगाना चाहिए। इससे होठ चिकने व सुर्ख बने रहते हैं। मक्खन में पैरा एमिनो बेजाइक एसिड पाया जाता है और गुलाब की पंखुड़ियों में विटामिन B5 तथा विटामिन ई पाया जाता है जो होठों को चिकना व सुर्ख बनाने में बहुत मदद करता है। खीरे, संतरे या मौसमी की फाँक को होठों पर नियमित रूप से रगड़ने से होठों की त्वचा सुंदर व मुलायम बनती है। यह उपाय होठों को ठंडक भी पहुँचाता है। गर्मियों के दिनों में इसका इस्तेमाल करने से होठों की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती है। हमें नियमित रूप से दूध में केसर मिलाकर अपने होठों पर लगाना चाहिए। इससे भी होठों का कालापन दूर होके होठ मुलायम व सुर्ख होने लगते हैं। रात को सोते वक्त होठों पर जैतून या नारियल का तेल लगाने से होठ मुलायम बने रहते हैं। जैतून या नारियल के तेल में पाए जाने वाले तत्व होठों की त्वचा को मुलायम व सुंदर बनाते हैं। 1 चम्मच दूध की मलाई में 2-3 बूंद नींबू का रस मिलाकर हल्के हाथों से होठों पर लगाना चाहिए। इससे होठ सुंदर व कोमल बने रहते हैं। दूध मलाई में अच्छी किस्म का क्लिंजर होता है। इसका मॉइस्चराइजर गुड़ होठों को मुलायम बनाता है। तो दोस्तों, इन उपायों को ज़रूर अपनाइए। ये आपके होठों के कालेपन को दूर करके आपके होठों की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने में आपकी बहुत मदद करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।